अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2004 ये इससे पहले की है तो अब आप एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बनने के बाद बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। साथ ही आप वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको 2022 में एक नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने का कम्प्लीट लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दो हजार बाईस में एक नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको इस पोर्टल पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको एक ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी आप यहां डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा। तो जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप यहां टाइप करेंगे। इसके बाद यहां आप पासवर्ड दोबारा से टाइप करेंगे कंफर्म करने के लिए। इसके बाद आप ये कैप्चा फिल करेंगे और टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वेलकम टू द वोटर पोर्टल। इसमें आप वेलकम पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अपनी प्रोफाइल डिटेल्स फिल कर देनी है। तो यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे, अपना स्टेट चूज करेंगे, जेंडर चूज करेंगे और सबमिट करेंगे। इस पोर्टल में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आप नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करा सकते हैं, आप वोटर आईडी कार्ड को शिफ्ट करा सकते हैं। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खोया जाता है तो यहीं से आप रिप्लेस करा सकते हैं और यहीं से आप अपने वोटर आईडी कार्ड को डिलीट भी करा सकते हैं। जैसे कि हमें एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसको यस करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अगर आप इंडियन सिटीजन है और इंडिया में ही रहते हैं तो आप पहला ऑप्शन यस करेंगे, और अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन यस करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी होगी, तो आप यहां कैलेंडर से अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं 2004 या उससे पहले की कोई भी डेट ऑफ बर्थ आप चूज कर सकते हैं। यहां पर आप मंथ और डेट चूज करेंगे। इसके बाद आपको अपनी प्लेस ऑफ बर्थ डालनी होगी, तो यहां पर आप गांव या कस्बे का नेम डालेंगे जहां पर आप पैदा हुए हैं, अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। इसके बाद आपको बर्थ प्रूफ के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट से आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं बर्थ प्रूफ के लिए, जैसे कि मैं आधार कार्ड चूज कर लेता हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट आप चूज करेंगे वो आपको अपलोड करना होगा। आप JPEG, JPG, PNG या PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम फाइल साइज आप 2 MB तक रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आधार कार्ड चूज किया है तो मुझे आधार कार्ड अपलोड करना होगा, जिसके लिए सिलेक्ट फाइल टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहें तो कैमरा से डायरेक्ट डॉक्यूमेंट का फोटो क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपने पहले से क्लिक किया हुआ है तो आप गैलरी से भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें डायरेक्ट फोटो क्लिक करना है तो कैमरा पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट का एक फोटो क्लिक कर लेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपको अपना एक फोटो अपलोड करना होगा। जो भी फोटो आप यहां अपलोड करेंगे वही आपके वोटर आईडी कार्ड पर आएगा, तो आप अपलोड पिक्चर पर क्लिक करेंगे। आप डायरेक्ट कैमरा से फोटो क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आपने पहले से क्लिक किया हुआ है तो आप गैलरी से भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना जेंडर चूज करना होगा। अपना नेम फिल करेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप में किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ चूज करेंगे, और अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आप नो डिसेबिलिटी यहाँ पर सिलेक्ट रखेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपको अपने फादर मदर या हस्बैंड की डिटेल्स फिल करनी होगी। अगर आपको अपने वोटर आईडी कार्ड पर फादर नेम चाहिए तो आप फादर की डिटेल्स फिल करेंगे, और अगर हस्बैंड डिटेल्स चाहिए तो हस्बैंड की डिटेल्स फिल करेंगे। अगर फादर मदर या हस्बैंड का वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर नेम डालेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे रिलेशन टाइप चूज करेंगे, तो जिसकी भी आपने डिटेल्स फिल करी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपको अपना करंट एड्रेस फिल करना होगा, तो इसमें आप हाउस नंबर डालेंगे, स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी का नेम डालेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप पोस्ट ऑफिस का नेम डालेंगे, अपने गाँव या कस्बे का नेम डालेंगे, अपना एरिया टाइप चूज करेंगे, गाँव
गांव है, कस्बा है या शहर है। इसके बाद आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी विधानसभा की डिटेल्स फिल करनी होगी, जिसके लिए आप एंटर पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। इसके बाद आप असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पर क्लिक करेंगे और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चूज करेंगे। इसके बाद आपको एक एड्रेस प्रूफ देना होगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, इसमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। अगर राशन कार्ड में आपका नेम है तो इसको भी आप एड्रेस प्रूफ के लिए दे सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आप चूज करेंगे वो आपको अपलोड करना होगा, जिसके लिए आप सिलेक्ट फाइल टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट का फोटो पहले से लिया हुआ है तो आप गैलरी से चूज कर सकते हैं, वरना कैमरा पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट का फोटो क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना होगा कि जो भी एड्रेस आपने फिल किया है, इस एड्रेस पर आप कब से रह रहे हैं। तो यहाँ पर आप ईयर चूज करेंगे, इसके बाद यहाँ आप मंथ चूज करेंगे, नीचे आप अपने गांव, कस्बे या शहर का नेम डालेंगे, अपना नेम डालेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। आपके सामने कंप्लीट फॉर्म आ जाएगा, जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो सब आप इस फॉर्म में देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आप एडिट फॉर्म पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है सब कुछ बिल्कुल सही है तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। साथ ही एक रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाएगी, जो कि आप यहां देख सकते हैं। इसको आप कॉपी करके रख लीजिए, इसी से आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करने के लिए आप इसी पोर्टल पर आएंगे। इसमें आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रैक स्टेटस, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आप रेफरेंस नंबर डालकर ट्रैक योर स्टेटस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा, जैसे कि एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। इसके बाद BLO अपॉइंट होगा, उसके बाद फील्ड वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। अगर आपने सभी डिटेल सही से फिल की है तो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर जनरेट हो जाएगा, जो कि यहीं पर शो होगा। नया वोटर आईडी कार्ड बनने में 1 से 3 महीने तक का टाइम लग जाता है, इसलिए आपको अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करते रहना है। जैसे ही आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा तो बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। साथ ही आप अपने वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप nvsp.in पर आएंगे, इसमें आप एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। इसमें आप एपिक डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, इसमें आप अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर या रेफरेंस नंबर डालेंगे, अपना स्टेट चूज करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल्स आ जाएगी। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP डालकर सबमिट करेंगे तो आपका वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। सो इस तरह से 2022 में आप एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।